हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष सूदन में। और आज हम फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं रिपेयरिंग का। और सबसे पहले हम रिपेयरिंग में आपको सिखाएंगे लूपर चेंज करना, लूपर और निडल। तो सबसे पहले हम निडल खोल लेते हैं। उसके बाद हम लूपर खोलेंगे। लूपर खोलने के लिए सबसे पहले हम इस नट को खोलेंगे, जो कि लूपर होल्डर का नट होता है। इस पूरे सिस्टम को हम लूपर होल्डर बोलते हैं। ये लूपर होल्डर हो गया और ये ऊपर लगा हुआ लूपर हो गया। ये देखो आगे से टूटा हुआ है, इसलिए इसको चेंज किया जा रहा है। और 60-70% जो मशीन्स में प्रॉब्लम आती है लूपर के ज़रिए आती है, जो टॉप करता है, धागा तोड़ता है, स्किप कर देता है धागा और लास्ट में धागा छोड़ देता है, वो लूपर की वजह से भी होता है। तो सबसे पहले मेन जो अगर आप लूपर चेंज करना सीख लेंगे तो समझो कि 50-60% आप मेंटेनेंस कर सकते हैं मशीन्स की। तो सबसे पहले ये देखिए, लूपर खोलने के लिए ये नट होता है, इसको हम एल की बोल्ट होता है, इसको निकालते हैं, फिर नया इंस्टॉल करेंगे। नया इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा से इसको डाल देंगे। ये देखिए, कोशिश करिएगा जो ये नट है, जो ये पटरी का दाना है, इससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब कि नाखून जितना आपको नीचे रखना है, टच नहीं होना चाहिए बस। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ऊपर करके, इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ। बस जहाँ पे आपको लगेगा कि टच नहीं हो रहा, बस वहाँ पे इसको कस दीजिए। जब इसको कस देंगे उसके बाद आपको निडल निडल लगानी पड़ेगी। अभी ये नट मैंने कसा नहीं है, ये वाला जो ये वाला है, ये एडजस्टमेंट होती है आगे पीछे, लूपर को आगे पीछे करना हो, जोड़ना हो तो वो होता है। अभी आगे पीछे सिंपली तरीके से हो रहा है अभी, क्यों? क्योंकि ये मैंने नट कसा नहीं है। अभी ये नट कसा हुआ है, जो ऊपर की और नीचे की एडजस्टमेंट है लूपर की, वो मैंने कर दी है। बस इस दाने को, पटरी का जो दाना होता है ऊपर, ये दाना जो होता है इसका ऊपर, इसको छोड़ के, ये देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपको इसको टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद आपको निडल लगानी है। जितनी ऊपर निडल जाएगी उतनी ले जानी है। प्लास होगा, प्लास से भी ऊपर कर सकते हो, ये देखिए। उसके बाद टाइट कर देना है। इस मशीन में और भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ लूपर चेंज करना सिखा रहा हूँ। ये हो गया, अब देखते रहिएगा। अब सुई पीछे आ रही है, अब ये पूरा लूपर पीछे गया हुआ है। सुई और लूपर का जो पीछे वाला गैप है, ये देखिए, ये अभी कम है। इसको इतना करना है कि एक बीच से सुई पास हो जाए, लूपर और सुई। जब लूपर पीछे जाएगा तो इतना गैप सुई से होना चाहिए कि सुई बीच से निकलनी चाहिए, ये कम गैप है। इसको करने के लिए हमने यहाँ से सेटिंग करनी है।
यहाँ से, इसको बोलते हैं केम लीवर। इसको लूज करेंगे पहले छोटे वाले नेट को, फिर आगे आएंगे। फिर आपने जो अब पहले चेक कर लेना कि, रुको मैं आपको दंदाल खोल के फिटिंग करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, पहले मैं दंदाल खोल लेता हूँ। मैं दंदाल खोल लेता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखे सेटिंग का। दंदाल खोल ली, फिर एक चौबी में पटरी फिट कर देता हूँ। अब देखिए, अब आपको साफ नजर आ रहा होगा, सुई नीचे आई। अब पीछे वाला गैप भी कम है। अब आपने यहाँ से ये वाला छोटा नेट खोला था, ये अभी मत खोलिए। ये सबसे पहले आप क्या करो, लूपर जो है जब आगे की तरफ जा रहा है तो आप इसकी इसके ऊपर उंगली रखो, और उंगली थोड़ा सा आपको महसूस होना चाहिए कि लूपर टच हो रहा है। ज़्यादा टच होगा तो ये देखो सुई आगे जाएगी नहीं। अगर ज़्यादा टच हो गया, अगर आपने ज़्यादा टच करके छोड़ दी तो सुई कभी भी टूट सकती है जब बोरे पे चलेगी। तो ना ज़्यादा टच होना चाहिए, ना ज़्यादा लूपर दूर होना चाहिए। ये देखो, ये टच होना चाहिए बिल्कुल, ये आप देख रहे होंगे टच हो रहा है। ये देखो टच, बिल्कुल ज़रा सा टच होना चाहिए ताकि जब धागा को ये लूपर ले तो स्किप ना करे। बस जब आपको लग रहा है कि टच हो रही है तो आप इस वाले को नेट को टाइट कर दीजिए। हाँ देखो, अब ऊपर और नीचे वाली सेटिंग होगी, स्विंग से टच हमने लूपर करवा दिया। अब सेटिंग रहती है पीछे वाली। जब लूपर पीछे जाए तो याद रखिएगा एक सुई का गैप, एक सुई का गैप होना चाहिए, एक सुई के गैप से ज़्यादा। ये देखिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं, एक सुई लीजिए, ये देखिए सुई बीच से पास नहीं हो रही, ये सुई बीच से पास नहीं हो रही। ये देखो ये सुई पास होनी चाहिए बीच में। इसके लिए सेटिंग यहाँ से इसको लूज़ किया, फिर इसको हम लूज़ करेंगे। जब इसको लूज़ करेंगे, इसको लूज किया, फिर वापिस आए, थोड़ा सा इसको पीछे धकेला। ये देखो अब पास हो रही है, देख लीजिए, बस इतना गैप, परफेक्ट गैप है ये। और यहाँ से टाइट, थोड़ा सा इसको अंदर, बाहर अगर हो गया तो इसको थोड़ा सा अंदर कर, इसको टाइट कर दिया। ऊपर वाले को टाइट करके नीचे वाले को भी कर दो ताकि ये लॉक हो जाए। गाइस ये है लूपर की फिटिंग, लूपर और निडल की फिटिंग। ये देखिए गैप देख लीजिए कितना, जब चलेगा। हाँ, और अब ये है, अब जो ये गैप है, ये देखिए गज की, ये क्लंप की भी प्रॉब्लम है। ये रुको, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ ये क्या चीज़ कर रही है। लूपर का तो
नीचे वाली प्ले है, ये याद रखिएगा प्ले नहीं होनी चाहिए गज में। ये देखो ऊपर नीचे वाली प्ले है, ये प्ले आ रही है यहाँ से, ये देखो आपको दिख रहा होगा क्या चीज़ हिल रही है, ये जो पिन होती है ना, ये पिन इसकी प्ले है जो बीच में ये पिन अटैच होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको, इस प्ले को हटाने के लिए हम 24 नंबर की चाबी लेंगे, 24 नंबर की चाबी यहाँ लेकर इसको करेंगे, इसको टाइट करेंगे, इसको टाइट करेंगे। और ज़्यादा टाइट करोगे मशीन जाम हो जाएगी। अब इसको देखो ढीला कर रहे हो, अब इसको इतना टाइट करना जितने प्ले रहते हैं बस, ये देखिए ज़्यादा टाइट नहीं करना नहीं तो जाम हो जाएगी। बस इसको यहाँ से टाइट कर, अब बिल्कुल प्ले नहीं है। हाँ अब ये देखिए, देखिए जो ये सुराख है बिल्कुल सुराख के जस्ट ऊपर से लूपर आना चाहिए। जब लूपर आगे की तरफ आएगा, ये देखिए ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। ये सुराख जो है सुराख से जस्ट ऊपर लूपर पास होना चाहिए आपका, देख लीजिए। ये अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये सेटिंग है परफेक्ट। और सुई के साथ लूपर थोड़ा सा टच होना चाहिए, ज़्यादा टच करोगे तो सुई टूटने का खतरा है। अगर टच नहीं होगा तो आपका सिलाई स्किप करेगी, धागा छोड़ देगी लास्ट में, या टॉप मार देगी। और पीछे का जो गैप है, एक सुई वाला गैप, ऊपर का जो गैप है जो पटरी का दाना होता है उससे एक नाखून, जितना ये नाखून है बस नाखून डाल देना है, उतना गैप रखना है बस। ये चीज़ आप देख लेना, ये सुई और लूपर की सेटिंग मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं इस पर दंदाल फिटिंग करूँगा, तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दंदाल की फिटिंग, पटरी की फिटिंग करते करते आपको दिखाएंगे। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,